पूछे क्या जर्मनी के हवाले से क्या कहेंगे, यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ये क्या क्वेश्चन है आपका? हाँ, मैं आप पूछता हूँ आपसे। अच्छा, सबसे पहले तो हमारे लिए जो प्रॉब्लम है ना पंजाब वालों के लिए, आपको शायद पता होगा, वो है अपॉइंटमेंट बहुत लेट आती है। ऑफ कोर्स ठीक है। अच्छा, मेरा जो एक कन्फ्यूजन है ना, वो ये है कि आउसबिलुंग के लिए, आउसबिलुंग जुफन वीजम ठीक है, उसके लिए अप्लाई करना है मैंने, लेकिन मुझे कैटेगरी नहीं समझ आ रही कौन सी कैटेगरी में वो टर्मिन अपॉइंटमेंट अप्लाई करनी है। यार, ये क्वेश्चन आई थिंक लास्ट लाइव स्ट्रीम में भी किसी ने पूछा था, उससे पहले भी जो मैंने हाउस बिल्डिंग की वीडियोस बनाई थी उसके नीचे भी ये कमेंट्स में आ रहा था। इसका मैं दोबारा क्लैरिफाई आपको कर देता हूँ कि जो हाउस बिल्डिंग की मैंने इलैबोरेट 2 से 3 वीडियोस बनाई थी, और उसमें मैंने उसके बाद मैंने ये मेंशन किया था उसमें कि जो housebuilding.de है, जो मेन पोर्टल है जो सारी हाउस बिल्डिंग की पोजीशंस एडवर्टाइज करता है, जिनकी कोलैबोरेशन है जर्मन कंपनीज के साथ जो आपको हाउस बिल्डिंग पोजीशन के लिए लेते हैं, उस पोर्टल को मैंने फोन किया था, उनको मैंने ईमेल लिखी थी ऑफिशियल अपने चैनल की तरफ से, और उनको मैंने बताया था कि यार बहुत सारे स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पाकिस्तान इंडिया से, वो आप लोगों से इंटरेस्टेड हैं हाउस बिल्डिंग के लिए, लेकिन उनको यही नहीं पता कि वो किस तरह से वीज़ा अप्लाई करें, क्या उसके ये हैं वो हैं, तो आप लोग कोई गाइडलाइन दें। तो उन्होंने ऑफिशियली जो है वो कोई उसका जो है ना मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया, क्योंकि मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन थी ही नहीं इस वजह से, क्योंकि वो अवेलेबल ही नहीं थी कहीं पे। तो मैंने ये क्लेरिफाई कर दिया कि अब जो बेस्ट इसका सोल्यूशन है वो ये है कि आप जब housebuilding.de पोर्टल पे जाके अपनी हाउस बिल्डिंग ढूंढ लेते हैं, तो उसके बाद जिस कंपनी जो आपको ऑफर कर रही है हाउस बिल्डिंग, आप उस कंपनी के साथ इन टच हो जाएं, ठीक है? वो कंपनी आपको गाइड करेगी, क्योंकि अगर वो आपको प्लेस दे देती है हाउस बिल्डिंग की, तब आप जो स्टूडेंट वीजा कैटेगरी है, मेरा ये ख्याल है लॉजिकली बनता ये है कि आप स्टूडेंट वीजा कैटेगरी में जाके एम्बेसी में अपॉइंटमेंट अप्लाई करें, क्योंकि उसकी तो हाउस बिल्डिंग की तो कोई कैटेगरी है ही नहीं, ठीक है? वो इसलिए क्योंकि हाउस बिल्डिंग के अंदर आपको पैसे इतने नहीं मिलते हर हाउस बिल्डिंग में कि आप अपना कि आपको ब्लॉक्ड अकाउंट की जरूरत ना पड़े, और जब आपको ब्लॉक्ड अकाउंट की जरूरत पड़ेगी तो आप एक स्टूडेंट होंगे, ठीक है? बेशक हाउस बिल्डिंग आपको एक स्टाइपेंड देता है 400-450 का, या डिपेंड करता है जिस किस्म की भी हाउस बिल्डिंग है। तो इसलिए उस कंपनी के साथ इन टच हो, पहले तो पोजिशन लें अपनी, वीजा तो बड़ी देर की फिर बात आती है ना, कि पहले आपके पास पोजिशन आ जाए और फिर आप स्टूडेंट वीजा कैटेगरी की अपॉइंटमेंट लें। मेरे नज़दीक ये लॉजिकल सजेशन बनती है, लेकिन ये कोई ऑफिशियल वर्जन नहीं है, जस्ट मैं इसमें यही कह सकता हूँ। ठीक है। मैंने इनको कॉल की थी, इनकी हॉटलाइन है हाउस बिल्डिंग की, इन्होंने बेसिक वेबसाइट पे वो दी हुई है, तो मैंने इनको कॉल की थी। वो कह रहे थे कि दो टाइप के वीज़ाज़ हैं, एक ये है कि आप पहले हाउस बिल्डिंग ढूंढ लें फिर आप वीज़ा के लिए अप्लाई करें, और एक ये है कि आपने अगर वहाँ जा कर सर्च करनी हो, 6 महीने का वो वीज़ा देते हैं और उसमें क्लॉक काउंट 6 महीने का करना पड़ता है, तो मैं उस कैटेगरी में जाना चाह रहा हूँ। ठीक है। उनकी रिक्वायरमेंट है बेसवाए और इस और स्कूल की एजुकेशन अभी पास नहीं है, इसके अलावा उनकी रिक्वायरमेंट, तो मुझे अब ये नहीं समझ आ रही कि मैंने टर्मिन अपॉइंटमेंट जो है वो करनी है अप्लाई, और किस कैटेगरी में अपॉइंटमेंट अप्लाई करूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा मजीद टाइम वेस्ट हो, अप्लाई गलत कर दूँ फिर उसके बाद 6 महीने वो, इसमें बड़ी कन्फ्यूजन है जी। यार, ये बेस्ट, ये कौन सी कैटेगरी है जिसमें 6 महीने का आपको वीज़ा मिलता है? ये तो जॉब सीकर्स वीज़ा है, या नहीं, ये हाउस बिल्डिंग दुकान वीज़ा, ये हाउस न्यू बिल्डिंग आया का वीज़ा एक है। ओके, ये मुझे इसका नहीं पता था। हाउस बिल्डिंग 6 महीने के लिए यहाँ पे B2 करके, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं फिर? हाउस बिल्डिंग की पोजीशन ढूंढ सकते हैं, यस, तो ये ये न्यू। न्यू मार्च में है ना, एक लेकिन ये तो मार्च जॉब सीकर ही हुआ ना, क्योंकि ये तो आप यहाँ पे आके जो है हाउस बिल्डिंग को एज अ जॉब भी ट्रीट करते हैं ना, हाउस बिल्डिंग आपको या पे भी करती है। या तो अब जॉब सीकर वीज़ा की भी कोई कैटेगरी उसमें एम्बेसी में नहीं है, एम्बेसी की वेबसाइट तो फिलहाल तो नहीं है, लेकिन उनको मैंने जब कॉल की थी वो कहते हैं कि इसकी कैटेगरी होगी, अभी तक पाकिस्तान वाले में नहीं आई, पता नहीं क्यों नहीं आई, और वो 6 मंथ्स को हाउस बिल्डिंग सर्च वीज़ा देंगे, और उसकी ये रिक्वायरमेंट उन्होंने कुछ बताई थी फ़ोन के ऊपर। ठीक है, कुछ डिटेल लिखी हुई है एम्बेसी की वेबसाइट पर, इसमें मेरी कन्फ्यूजन थी। ठीक है यार, हाँ पूरे पूरे बोले बोले। हाँ हाँ बस यही है, इसमें कंफ्यूजन थी, मुझे समझ नहीं आ रही किसमें अप्लाई करना है, वो पूछना था मैंने। यार, एम्बेसी को कोर्स एक लड़के, मैंने एक लड़का था वो पाकिस्तान से, उसने जॉब सीकर वीज़ा लेके वो अभी आया भी है यहाँ पे, उसका नाम ही मुझे भूल गया। उसने एक वीडियो बनाई थी यूट्यूब पे, उसने एग्जैक्टली यही चीज़ें हाईलाइट की थी जो आप बता रहे हो कि एम्बेसी की वेबसाइट के अंदर जो फ्लॉज हैं स्पेशली जॉब सीकर वीज़ा की अपॉइंटमेंट लेने के लिए। तो अब यार इसको तो मैं क्या कहूँ, ये तो एम्बेसी के डायरेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ये उनका ऑफिशियल उनको वर्जन इसका देना चाहिए। मैं तो यही कह सकता हूँ कि चलो जो लोग भी एम्बेसी के अगर कोई देख रहे हैं, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उनको वेबसाइट जो है उसको अपडेट करना चाहिए, और उसको जो है वो
ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बनाना चाहिए. लेकिन एज इन जनरल आई थिंक के जॉब सीकर वीज़ा जो है एक लीगल वीज़ा है और ये हर मुल्क से लोग लेके आ रहे हैं. आई मीन लीगल इन अ सेंस के इसमें कोई फिशीनेस नहीं है एज कम्पेयर टू जो हाउस बिल्डिंग का हवाला है. ठीक है, तो अच्छा अगर आपको वीडियो मिले तो आप शेयर कर दीजिएगा. ठीक है यार, मैं ज़रूर कर दूंगा, लेकिन वो कोई देता ही नहीं है उसका ऑफिशियल वर्जन, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इसमें कोई गलत इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहता. मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, अगर कोई ऐसी हुई तो मैं उस पर खुद ही वीडियो बना दूंगा. ठीक है, तो जाते जाते यार मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दो, क्योंकि अगले भी लूँ ना. कोई फिल्म बता दो, कोई कौन सी फिल्म आजकल देखी है, कोई फिल्म पाकिस्तानी बता दो. नहीं मैं फॉरेस्ट गम बहुत अच्छी फिल्म है. जर्मन सीख रहे हो? या बेस वाइट किस B2 पे हो? या गुड यार, ओके, ये तो बड़ा यानी कि काफी अच्छा लेवल है B2 तो. या गुड, वेरी गुड. तो यार फॉरेस्ट गम तो मुझे भी बहुत पसंद है, और आई थिंक उसका बॉलीवुड का वर्जन भी आ रहा है. आमिर खान जो है वो प्ले कर रहा है फॉरेस्ट गम. देखा है उसके वो टीजर वगैरह उसका आया? तो एनी हाउ देखते हैं कि वो कैसी होगी यार. बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट उसमें, क्योंकि मैं नेक्स्ट को लेता हूँ. तो ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखना. बाय बाय, थैंक यू.